चलिए आगे बढ़ेंगे। तो वन्यजीव प्रेमियों के लिए खुशखबर, रणथंभौर का कोर जोन खुलने का इंतजार समाप्त। आज खुल जाएंगे रणथंभौर और सरिस्का के 3 महीने बंद रहे जोन। रणथंभौर खुलने का था, वन्यजीव प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार। सरिस्का को लेकर भी वन्यजीव प्रेमियों में ऐसा ही आकर्षण देखा जा रहा है। आज सुबह की पाली से खुलेंगे प्रदेश के टाइगर पार्क्स के बंद जोन। रणथंभौर में आज वे 2 अक्टूबर को सफारी हाउस फुल हुई है। जोन 1 से 5 में आज जिप्सी वे कैंटर में 1 भी सीट खाली नहीं। 2 अक्टूबर को जोन 6 व 10 में जिप्सी पैक कैंटर में कुछ सीट उपलब्ध। जोन 7, 8, 9 में गुंजाइश। सरिस्का में भी 1 और 2 अक्टूबर की जोरदार एडवांस बुकिंग। रामगढ़ विषधारी में भी वन्यजीव प्रेमी दिखा रहे रुचि। तीनों टाइगर पार्क प्रबंधन की ओर से पर्यटन सत्र शुरू करने की तैयारी पूरी बताई जा रही। चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़े हैं। निर्मल जी, जंगलों को जीवंत रखने के लिए एनटीसीए का निर्देश और फिर जो टाइगर रिजर्व है उसे बंद करने का फैसला लिया जाता है और जो कि मुख्य क्षेत्र था, अब आज एक बार फिर से खुलेंगे, क्या स्थिति और कितना खासा क्रेज दिखाई दे रहा है वन्यजीव प्रेमियों में? सुप्रभात शिखा, देखिए जबरदस्त उत्साह का माहौल है क्योंकि 3 महीने रणथंभौर और सरिस्का के कोर जोन बंद होते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर पर्यटकों को इस बात का इंतजार रहता है कि जैसे ही कोर जोन खुलेंगे वो उन सुनहरी धारी वाले उन प्राणियों का यानी बाघों का दीदार कर सकेंगे जिनका उनको हमेशा उनके दिमाग में उनके जेहन में उनके प्रति आकर्षण रहता है। तो देखिए आज रणथंभौर में सफारी शुरू हो चुकी है, सरिस्का में सफारी शुरू हो चुकी है, रामगढ़ विषधारी में सफारी शुरू हो चुकी है। एक नए सत्र की बहुत ही उत्साहजनक शुरुआत हुई है। जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है पर्यटकों में, पूरा हाउसफुल है। आज अगर हम सुबह की पारी से जब शुरुआत हुई, सुबह 6 बजे जब सफारी की शुरुआत हुई तो रणथंभौर हाउसफुल है, सरिस्का पूरी तरह से हाउसफुल है। रणथंभौर के जोन 1 से लेकर 5 हमेशा 3 परंपरागत तौर पर 3 महीने के लिए बंद किए जाते हैं और 1 अक्टूबर को उनको खोला जाता है। तो आज इन जोन को खोल दिया गया और खास बात यह है कि रणथंभौर के जो सबसे लोकप्रिय बाघ और बाघिन है वो इन्हीं जोन के अंदर उनका मूवमेंट रहता है। खासकर सुल्ताना की बात करें, जोन नंबर 1 में तो सुल्ताना अपने 3 शावकों के साथ है। जोन नंबर 2 और जोन नंबर 3 की बात करें तो वहां पर रिद्धि दिखती है जो एरोहेड की बेटी है। जोन नंबर 2 के अंदर जो नाल घाटी का पूरा क्षेत्र है उसके अंदर एरोहेड उसके 3 शावक उसके साथ है। उसके साथ ही जो गणेश है वहां का जो T120 जो वहां का जो बाघ है वो वहां पर दिखाई देता है। जोन नंबर 5 का जो क्षेत्र है ये पूरा ही क्षेत्र बाघों से सरसब्ज है और इस बार तो मानसून इतना जबरदस्त रहा शिखा कि यहाँ पर पानी से पूरा क्षेत्र लबरेज नजर आता है। यहाँ का जिसको MRP कहा जाता है यानी मलिक तालाब, राजबाग तालाब और पदम तालाब तीनों ही लबालब है। पूरे क्षेत्र के अंदर जबरदस्त पानी की आवक की वजह से यहाँ पक्षियों की भी संख्या जबरदस्त है। तो यहाँ न केवल बाघ देखने की बात बल्कि जो बर्डिंग करने के हिसाब से भी आते हैं वो भी रणथंभौर पहुंचते हैं और यहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर अनूप KR वो वहां पर मौजूद है, जो रामानंद भाकर जो वहाँ के DCF है वो मौजूद है, DCF पर्यटन प्रमोद धाकड़ मौजूद है, पूरी टीम। और लगातार जिस तरह से पूरा मिश्र दर्रे और उसके आसपास मानसून क्षेत्र में जब चट्टाने गिरी थी, रास्ते टूटे थे, उन रास्तों को दुरुस्त किया गया है। बहुत ग्रीन आर्मी ने बहुत मेहनत की है रणथंभौर के अंदर। सरिस्का की बात करें तो सरिस्का में भी सुबह हाउसफुल है। आज सुबह लगातार कैंटर और जिप्सियां थी पूरी तरह से बुक थी आज, क्योंकि 3 महीने के लिए सरिस्का के भी कोर जोन बंद थे। तो यहाँ पर भी फील्ड डायरेक्टर संग्राम सिंह कटियार और DCF अभिमन्यु सारण और पूरी जो टीम है वो लगातार इस बात को मॉनिटर कर रही है कि पर्यटकों को किसी तरह की असुविधा ना हो। और खास बात यह है कि देखिए जैसे ही सूचना इस तरह की मिलती है कि दोनों जगह पर्यटकों को बाघों के दर्शन भी हो गए हैं, यानी कि बाघ जोन नंबर 2-3 के अंदर रिद्धि और उसके शावक दिखाई दिए हैं। तो जोन नंबर इधर सरिस्का की बात करें तो यहाँ भी ST9 और ST21 के दीदार हुए हैं। रामगढ़ विषधारी की बात करें तो संजीव शर्मा जो वहाँ के जो DCF है उनके नेतृत्व में टीम काम कर रही है। हालांकि वहाँ अभी एक ही जो बिल्कुल निर्मल जी, और कोर जोन खुलने का इंतजार भी खत्म हो रहा है।